जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं श्री अपने चैनल स्टडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है। आप इसे नॉर्मल में भी बना सकते हो, बस इसमें हल्दी और मसाले आप लोग डाल देना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस वाले सब्जी में क्या सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस भी लगती है ये सब्जी। तो चलिए हम इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने ले लिया है उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को हमने काट लिया था, धनिया को अच्छी तरह से हमने धुल लिया है, टमाटर एक काट लिया है धुल के, और हमने दो हरी मिर्च काट ली है। अगर आप लोग टमाटर हरी मिर्च ना खाते हो तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च की जगह आप क्या ले लीजिए, काली मिर्च। काली मिर्च यानी जो गोल मिर्च होती है उसको आप कूट कर डाल सकते हैं। तो ये हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, और उसके बाद से हमने गैस को ऑन कर दिया है, और अब हमने आँच अभी तेज रखी है, और ताकि ये जो घी हमने डाला है, घी हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून के लगभग, वो हमारा गर्म हो गया अच्छे तरह से। तो हमने इसीलिए आँच तेज किया ताकि हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड किए हैं जीरा और हरी मिर्च, इसको हम हल्का सा चटकने देंगे। उसके बाद से जो हमने आलू कट करके रखा था वो हम डालेंगे, और उसको इस तरह से हम अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इसको हमको अच्छी तरह से आपस में मिलाना है, और मिलाने के बाद से हमको आलूओं को इस तरह से फैला देना है, ठीक, ताकि आलू कोई भी आलू एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े हों। ठीक है, और बीच बीच में हमको इसको इस तरह से चलाते रहना है। ठीक, तो मध्यम आँच होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत हल्की आँच नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज आँच नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो बीच में हल्का सा तेल बचा है उसमें आपको टमाटर डालना है। टमाटर ऐड करने के बाद से उसी पर आपको नमक डालना है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप ये सब्जी बनाइए व्रत वाली, ये अक्सर करके हम लोग सिंघाड़े के पूड़ी वगैरह के साथ खाते हैं। आप लोगों को अगर सूखा आलू बनाना है तो आप लोग ऐसे ही बना लो, लेकिन मैं सूखा आलू की रेसिपी नहीं बता रही, मैं उस वाली आलू की रेसिपी, सब्जी की रेसिपी बता रही हूँ जो हम लोग सिंघाड़े के पूड़ी के साथ खाते हैं, यानी कि जो रसे वाली सब्जी होती है। ठीक है, तो हमारा आलू अच्छे से भुन गया, अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अब पानी ऐड करके इसको हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, अच्छे से इसको पकना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने 1 गिलास के लगभग इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आप लोग ऐसे ही सूखा आलू खाना चाहते हो तो आपका आलू रेडी था। हमने देखिए इस एक ही रेसिपी में हमने आपको दोनों रेसिपी बता दी, सूखे आलू और गीले आलू दोनों की। ठीक है, यानी कि तरी वाले आलू की और सूखे हुए आलू की, जो व्रत में हमारे खाई जाती है, दोनों की रेसिपी हमने आपको बता दी है। तो अब आपको क्या करना है, जब ये पक जाए तो उसके बाद से आपको कढ़ाई तरह से पकड़ के चूल्हे पर ही रखना है, ध्यान रखना है, और आपको आँच को तेज करनी है। उसके बाद से पलटे की सहायता से जितने आलू हैं आपको लगभग सारे आलूओं को इस तरह से फोड़ लेना है। इससे फोड़ने से क्या होगा कि आपका जो आलू का जो ग्रेवी है वो बिल्कुल, जो सब्जी ग्रेवी वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहो तो इसमें बड़ी इलायची और काली मिर्च वगैरह भी कूट कर डाल सकते हो, उससे टेस्ट इसका बहुत ही अमेजिंग आता है। तो हमने ऊपर से धनिया डाल दिया है, इसका टेस्ट गजब का आता है, आप नॉर्मल भी इसमें खा सकते हो। आप मतलब कि आप बस खाली इसमें हल्दी और थोड़ा सा मसाला अगर आप डालना चाहो डालो, लेकिन ये बहुत टेस्टी अमेजिंग सब्जी बनकर रेडी होती है। तो अब हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इसके साथ हम खाने के लिए हमने बनाया है वो जो बनती है ना सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, ठीक है, तो हमने वो पूड़ी तैयार की है। तो आप इसका लुक देख सकते हो कितना ज़्यादा देखने में टेस्टी लगता है, और जब व्रत हो और व्रत के दिन ऐसी सब्जी और पूड़ी मिल जाए तो क्या बात है भाई। तो हमारी सब्जी और पूरी देखिए लग गई है ना, हमने सब्जी लगा ली, एक तरफ दही लगा लिया है, और ये पूरियाँ, भाई पेट ही भर जाएगा ये वाली सब्जी और पूरी खा के, तो है ना। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस नवरात्रे आप लोग यही वाली सब्जी और पूरी को बनाइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये बनाई हुई आलू की सब्जी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मिर्चा मसाला बिल्कुल नहीं खाते उनके लिए तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। तो आप सभी लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।